मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डिस्कस करना चाहूंगा और चार्ट्स पे आप जरा स्टडी करके बताएं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो मैटर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टॉक है रैलिस। ये इन्वेस्टर ओरिएंटेशन भी है, इसमें लोग बैठे हुए सालों से कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग भी अटेम्प्ट करते रहते हैं, मामला क्या है रिजल्ट्स के बाद? ये एक ऐसा टाटा ग्रुप स्टॉक है जो बहुत सारे कारणों की वजह से भयंकर अंडर परफॉर्मर रहा है। मैं आपसे चार्ट पे जानूंगा कि क्या कह रहे हैं चार्ट्स इसके, बट सौमित ने सारे रीजंस एक बार कलेक्ट किए हैं और ये लेके आए पर्सपेक्टिव कि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर क्यों है रैलिस, रिजल्ट्स के बाद भी, उसके पहले भी चीजें देखी। सौमित बताइए, अगर आप शेयर प्राइस में मूवमेंट देखेंगे तो वन ईयर हो, थ्री ईयर हो या फाइव ईयर हो, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अब हमने पिछले 24 क्वार्टर के पोस्ट अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखे और उससे हमें ये पता चला है कि पिछले 24 क्वार्टर में सिर्फ दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इनफैक्ट रैलिस इंडिया के शेयर प्राइस ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। बाकी 22 टाइम्स ये इसके शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला है पोस्ट अर्निंग्स। तो क्या फैक्टर्स है जिसके से ये अंडर परफॉर्मेंस रहा है? पहले तो अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो हार्डली कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट्स उनके जेनरिक है। अब जेनरिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होती है, इसलिए प्राइसेस में काफ़ी उतार चढ़ाव लगा रहता है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी फाइनल प्रोडक्ट के, बट जो कंपनी की रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्ट बनाने में लगती है उसके प्राइसेस में फॉल नहीं थी और इसी कारण हमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था रैलिस इंडिया में। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो रैलिस के जो प्लांट्स हैं वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। अब यूजुअली अगर प्लांट्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं तो मार्जिन स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनी के लिए और इसी कारण भी कंपनी में अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिला है। अब जैसे कि रीसेंट टाइम्स में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके थे बट कंपनी के पास काफ़ी हाई इन्वेंट्री कॉस्ट होने के कारण भी ये कंपनी जो बेनिफिट्स है वो कभी पास ऑन नहीं कर पाई और इसी कारण मार्जिन में फिर भी प्रेशर बना रहा कंपनी के। अब एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण भी कंपनी में काफ़ी वीकनेस देखने को मिलते रिजल्ट्स में। अभी दो इंडिया में अगर हम देखें तो अबाव नॉर्मल मॉनसून था बट जो मॉनसून था वो अनइवन था और काफ़ी अनसीजनल रेनफॉल्स भी हमें देखने को मिले। इसी कारण कस्टमर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुका था जिसके कारण डिमांड कम हो गए प्रोडक्ट के और रियलाइजेशंस पे भी प्रेशर बनने लगा। उसी के साथ कंपनी की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशंस जो है वो करीब 20 टाइम्स पीई है जो कि फाइव ईयर एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है। फाइव ईयर एवरेज कंपनी की वैल्यूएशंस की करीब 19 टाइम्स है और एनालिस्ट की भी आप अगर रेटिंग्स देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं है एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि सिर्फ 21% ऑफ द एनालिस्ट जो है वो स्टॉक पे बाय रेटिंग रखते हैं और अगर 12 मंथ टारगेट आप देखेंगे तो सिर्फ 3% ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से कंपनी के। ये सारे फैक्टर्स कोलैबोरेट करके लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौमित। तो चलिए राजेश से समझते हैं। राजेश, ये कुछ फैक्ट जो हमें सौमित भी प्रेजेंट कर रहे थे, पिछले 24 क्वार्टर्स की आप बात करें तो सिर्फ दो बार ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया स्टॉक ने, 19% का डाउनसाइड देखने को मिला इस साल रैलिस में और अच्छा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कई सालों से। अभी चार्ट्स पर किस तरह के साइन दिखते हैं? क्या अभी भी एक अवॉइड दिखता है ये या फिर कहीं से कोई रिवर्सल साइन दिखते हैं? देखिए, स्टॉक में जो इसका एक ट्रेंड था अप ट्रेंड, वो 2014 में जाके कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए दिखा। 2014 के बाद से स्टॉक एक रेंज में फंसते हुए दिखा, तो 2014 तक तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी स्टॉक में, फिर उसके बाद जो रेंज बनी है वो ऑलमोस्ट हम देखें तो 350 से लेके स्टॉक 160 यही रेंज में पिछले 6 से 8 साल से इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी यहाँ पे रेंज से ब्रेकआउट के कहीं कोई अभी भी यहाँ पे चांस यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे स्टॉक में एक सप्लाई वापस से हायर साइड से बनते हुए दिखी, तो हमें लगता है लोअर बैंड की तरफ जाते हुए दिख सकता है जो कि इसका है 175-160 की तरफ, वहां पे आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले महीनों में, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउनसाइड में, उसके आसपास बाय करें क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर हमें लगता है रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेंगे इसमें। बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो आना है वो करीब 350-360 की, जब तक ब्रेकआउट नहीं होंगे प्राइस एक्शन में, जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं बनेंगे और ये रेंज बाउंड ट्रेड चलता रहेगा 160-360 ये रेंज में ट्रेड करते रहे, तो डिप्स का वेट करें अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं, क्योंकि इसके सेटअप डेली वीकली मंथली ईयरली सारी टाइम फ्रेम पे एक वीक जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है थोड़ा डिप्स यहाँ पे और देखने को मिलेगी। 170-160 के लेवल है जहाँ पे एक बार वापस इसको रिव्यू करना चाहिए। सेंटिमेंट्स कमजोर, गिरावट का इंतजार करना होगा, इसे रिव्यू जरूर करते रहेंगे लेकिन फिलहाल कोई पोजीशंस ना रहे, इसे अवॉइड लिस्ट में डालें। ये राय राजेश जी की तरफ से आती हुई रैलिस इंडिया पर। चलिए